हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है मेरा डॉक्टर विजिट का डे। अभी अराउंड 10:15 हो रहे हैं। थम लग चुकी है रिबू के साथ फॉर माय डॉक्टर अपॉइंटमेंट विजिट। रिबू पूरा रेडी है कार सीट के साथ। रिबू के पापा उसे हमारी कैब भी आ चुकी है। कार सीट कार में ऐड करेंगे, फिर हम चलेंगे डॉक्टर्स विजिट। कार सीट लग चुकी है, रिबू के पापा भी बैठ चुके हैं कैब में। हम जा रहे हैं डॉक्टर्स विजिट। एंड रिबू एज ऑलवेज थोड़ा मोशन मिलते ही इसको ये सो जाता है। फेयर प्राइस जो गए थे ग्रॉसरी स्टोर में, तो बेसिकली वो स्टिकर लेके आए थे एंट का। तो आज शाम को मतलब पूरा एकदम 10 स्ट्रैटेजिक लोकेशन पकड़ के पूरा बैठाया, और आखिर में बेसिकली यही हुआ कि ये देखो ये चिटिया दिख रहा है, ये जा रहा है, ठीक है ना, पूरा जाके आगे जाके पूरा कांच कोला दिखा के आगे से ऐसे निकल रहा है। ये स्टिकर फिकर कुछ काम का नहीं है, जूम करके दिखाते हैं। ये देखो चीटिया जा रहा है जा रहा है जा रहा है। एक जन ने लीड किया, आगे से दूसरा रास्ता पकड़ा, और पीछे वाला ऐसे ही रास्ता पकड़ के पूरा पीछे से ऐसे निकल गया। एक तो बिल्कुल सामने से जा रहा है। सो बेसिकली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी बोथ। आगे देखते हैं कि कल वो लक्ष्मण रेखा टाइप का कुछ लाएंगे और लगा के देखेंगे कि चीटियों से रिहाई मिलता है या नहीं मिलता है। इट्स ऑलमोस्ट 1:00 एंड आज थोड़ा हम मैसी हैं क्योंकि थोड़ा सा रूटीन ढीला ढीला चल रहा है। तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने रिबू के कुछ सामान ऑर्डर किए थे, वो फाइनली आ चुके हैं। आ तो वो 2 दिन पहले ही गए हैं, बट मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया। क्यों? क्योंकि एज यूजल मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि अब उन चीज़ों की ज़रूरत आ पड़ी है तो आज तो उनको अनबॉक्स करना ही है। वो मैंने सोचा फिर आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने ऑर्डर करा है। तो ये है कुछ बॉक्सेस जिनको हम अभी अनबॉक्स करेंगे। तो ये है स्वाडल, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। मुझे स्वाडल से बहुत लास्ट 1 महीने से मैं स्वाडल्स यूज़ कर रही हूँ एंड दे आर वेरी 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 हेल्पफुल। ये एक नया टाइप का स्वाडल है, तो मैंने सोचा पहले इसको ट्राई करेंगे। इन्फेंट हेड सपोर्ट, तो कार सीट स्ट्रॉलर के लिए जो हेड सपोर्ट है वो मैंने एक ऑर्डर किया था। बॉटल का मतलब बॉटल ड्राइंग रैक, जो मंचकिन एक ब्रांड है उसका मैंने ऑर्डर किया है, जो कि बहुत आगे काम आने वाला है। भी कॉम्बिनेशन फीड में है, वो एक्सप्रेस मिल्क ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला तीनों का ही कॉम्बिनेशन ले रहा है, तो इसकी बहुत ज़रूरत है अभी। कुछ मिल्क पाउचेस जो मैं एक्सप्रेस करती हूँ वो मिल्क स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे मेरे अनबॉक्स करते करते ही महाराज उठ गए हैं, और देखो ही इस वाइड अवेक, ये भी उठ चुका है। तो बने रहिए इस चैनल में क्योंकि आज थोड़ा स्पेशल है। आज हमारे एक सोसाइटी में लाइक कॉन्डो में एक पूल पार्टी रखी गई है, जो कि है दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो हमने ये प्लान किया है कि हम शायद रिबू को लेके जाएंगे नीचे, देखते हैं, बट कंडीशंस अप्लाइड उसका मूड अच्छा होना चाहिए। बने रहिए इस चैनल पे देखने के लिए कि हमारी और रिबू की पूल पार्टी कैसी रही। Thank you.
गाड़ी तो हम गए लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ था और हम शायद लेट भी थे। मतलब ब्रिभु के लिए कुछ ऐसा नहीं था कि वो जाके डिप कर सकता था, बट हम यहाँ आ गए। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, एक गार्डन है, हम सब इधर बैठे हैं, ब्रिभु के दादू भी इधर है, हम सब बैठे हैं इधर, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। सोच रहे थे कि अगर एक फ्लास्क में चाय ले आते तो और भी मज़े आते, कोई नहीं, ऊपर जाके घर जाके चाय पियेंगे। तब तक थोड़ा यहाँ पे बैठ के हम लोग चिल कर रहे हैं। हम ऐसे बैठे थे, मैं और पापा, हम सब ऐसे बैठे थे, हम ये देख रहे थे आसपास, तो हमें पता क्या नज़र आया, ये है पीपल का पेड़ और ये बहुत पुराना पेड़ है। कि ये हमारे सोसाइटी का की खास बात है कि हमारे सोसाइटी के अंदर एक इतना बड़ा पेड़ है, पीपल का पेड़ है। देखो मतलब ये है कि ये बहुत कई साल पुरानी जगह है, जगह पुरानी है लेकिन ये पेड़ बहुत पुराना लग रहा है ना पापा? मैं के बोल चुका हूँ।